वही फेसबुक में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो फेसबुक ही नहीं, फेसबुक के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे सोशल मीडिया से जैसे कि व्हाट्सएप, ऐसे बहुत कुछ है सोशल मीडिया जहाँ पर ऐसे नेगेटिविटी फैली जा रही है। और यहाँ पर कुछ वीडियो मैंने आपके सामने लाकर रख दी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की है, उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूँ आप देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ रॉनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू कर रहे हैं। स्टार्क टेक्नोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर आपके लिए एक वीडियो मैंने रखी है, जो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, और ये वीडियो को एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ये आप समझ सकते हैं ये फेसबुक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पोस्ट जहाँ पर वही लिखा है, वही स्क्रीन ने टाच करार ব্যাপারে বাংলাতে কিছু লেখা আছে আর জলের ছবি দেওয়া আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সো এটা যদি আপনি লাইক যদি বাংলা না জেনে থাকেন তাহলে হিন্দিতে বলছি। সো এখানে এসা কিছু লিখা হে কি ভাই ইহাঁ পর টাচ কিজিয়ে, আর यहाँ पर टच करने के बाद देखते हैं भाई, यहाँ पर टच किया और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टच करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल गया है जहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है, भाई हिंदी में बता देता हूँ, भाई यहाँ पर लिखा है अगर आपने ये मैसेज शेयर नहीं किया किसी के पास तो आपके मॉम जो है वो आज रात में नींद के अंदर मर जाएंगे। क्या है घटिया SMS। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई, सबसे पहले एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं सच में जब ऐसे SMS आपको मिलती है या फिर ऐसे कुछ पोस्ट आपको दिखने को मिलती है, और आपके व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड्स ही ऐसा कुछ पोस्ट वगैरह भेजते हैं और आप कुछ बोल नहीं पाते, तब आपको कैसे महसूस होते हैं आप समझ सकते हैं आपको कैसे लगते हैं उस वक्त। और यहाँ पर ऐसे कुछ पोस्ट अगर हमने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे रही है फेसबुक या फिर व्हाट्सएप कुछ भी, तो हमें क्या लगते हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो ये पोस्ट बनाते हैं, भाई ये तो पोस्ट जो है ये तो हवा में चल के नहीं आती है, इसके हाथ पैर तो नहीं है, ये जो पोस्ट है ये एक पिक्चर है या फिर कुछ वीडियोस होते हैं ऐसे कि भाई ये पोस्ट शेयर करो, नहीं तो आपको पापा या आपकी मम्मी कभी कभी धर्म पे भी आते हैं या क्या क्या न जाने क्या क्या आती है। लेकिन ये जो पोस्ट है भाई आप देख सकते हैं ऐसे कुछ पोस्ट कभी कभार आ जाते हैं और हमें मजबूर होकर वो शेयर करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला बात, जो महाशय ये पोस्ट बनाते हैं, जो महाशय ये पोस्ट बनाते हैं भाई, क्या मिलती है तुम्हें? एक तुम्हें अपनी पेज की प्रमोशन हो सकती है फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी हो उसका प्रमोशन हो सकती है एक, और दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो आपकी खुद की प्रमोशन हो सकती है जो ये पोस्ट बना रहे हैं उसका प्रमोशन हो सकती है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर देखा जाए तो अगर ऑनलाइन पे यूट्यूब पे लाइक ऐसे कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर से आप अर्न कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसे ब्लैकमेल करके कुछ अर्न किया जाए तो वो वहाँ पर से कमा सकते हैं। आपके पास समझ लीजिए ऐसे कुछ पोस्ट वगैरह भेजते हैं कि भाई ये पोस्ट शेयर करो नहीं तो आपको पापा मम्मी कुछ भी मर जाएंगे, ये होएंगे वाया पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं और आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप ये पोस्ट को शेयर कर देते हैं और उसका अर्न हो जाते हैं, जितना व्यूअर्स आते हैं उस पोस्ट पे ऐड वगैरह चलते हैं और वो एडमिन जो होते हैं उस इस पोस्ट का वो अर्न कर लेते हैं कभी कभार। तो ये जो पोस्ट है ये इसलिए ये सब बनाते हैं खुद की प्रमोशन के लिए, चैनल के या फिर पेज की प्रमोशन के लिए, और क्या क्या ना जाने किस लिए ये पोस्ट घटिया पोस्ट ये बनाते हैं। तो यहाँ पर ये गई एक बात, और दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और छोटी भी हूँ और आपसे भी छोटा हो सकता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई कि हमने भी जन्म ली है और हमारे माता पिता सब कुछ जन्म लिए हैं और सबको एक दिन जाना पड़ेगा, सबने जन्म ली है सबको एक दिन जाना पड़ेगा, ये सच है। आज हम जिंदा है कल नहीं भी रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मम्मी मर जाएंगे पापा मर जाएंगे कुछ भी क्या न जाने कौन कौन मर जाएंगे, ये सब मरने की ठेका एक SMS ले रखी है। कभी आपके पास ये पोस्ट जब शेयर होती है तो आपके मन में ऐसे कुछ बात नहीं आती है कि भाई ये पोस्ट हम शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास, क्या सोचेंगे वो और कुछ देखेंगे तो वो उसको कैसा महसूस होगा,
तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे खास बात, अगर आप अल्लाह पे विश्वास करते हैं या भगवान पे विश्वास करते हैं, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं तो उन पर विश्वास रखिए, ना ही किसी फेसबुक के कोई आम पोस्ट पर या फिर व्हाट्सएप की कोई आम पिक्चर पर आप विश्वास कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम जितना ज़्यादा अल्लाह भगवान पे विश्वास करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हम फेसबुक व्हाट्सएप में विश्वास करते हैं। सच में ऐसा ही होता है कि भाई पोस्ट, ये पोस्ट देखो इतना ज़्यादा शेयर है, कितना ज़्यादा भाई घटिया घटिया कमेंट है। और देखा जाए तो भाई न जाने क्या क्या है इस पोस्ट में। तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे पोस्ट जो होते हैं, ऐसे आते हैं कुछ पोस्ट भाई, हमको ऐसे इग्नोर कर देना चाहिए। भाई देख लिया देख लिया, सामने आ गया भाई देख लिया, मम्मी जिंदा है आज, कल होंगे जिंदा, यही दुआ करूँगा। किसके पास? अल्लाह के पास, भगवान के पास दुआ मांगूंगा, जिंदा रहे, अच्छी रहे, सलामत रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट शेयर कर दूंगा और मेरा मम्मी जो है वो बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। और हमें ऐसा पोस्ट शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी हमारे लिए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सब कुछ टेक्नोलॉजी है और बहुत सुविधा देती है ऐसी टेक्नोलॉजी हमें। और ऐसी टेक्नोलॉजी के फ़ायदा उठाकर हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, गलती से यूज़ करना नहीं चाहिए हमें, सही तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। और अगर किसी चीज़ को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके क्या खासियत है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आप उसका मज़ा ले सकेंगे। लेकिन आप किसी भी तरह उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके साथ कोई गलती हो सकती है, या फिर आप ही फ्यूचर में किसी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई गलती काम मत कीजिए और ऐसे पोस्ट, घटिया पोस्ट को शेयर मत कीजिए। और शेयर करके जो ये जो क्रिएटर है, पोस्ट क्रिएटर, पेज क्रिएटर है, उनका प्रमोशन मत कीजिए खुद, ठीक है? ऐसा पोस्ट मत शेयर कीजिए। ये बस गुजारिश है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बल्कि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि भाई किसी ना किसी को तो बताना चाहिए। भाई देखता जा रहा हूँ कोई नहीं बताता, यहाँ पर सब शेयर करते हैं, मेरा एक दोस्त ने शेयर किया, इसलिए सोचा जी कुछ YouTube पे नहीं Facebook पे एक वीडियो बना जाए। तो Facebook के लिए इस वीडियो मैंने Facebook पेज पे भी शेयर की है और YouTube चैनल पे भी शेयर की है ये वीडियो, क्योंकि ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सबको हेल्प करेंगे, सबके कुछ सुविधा होंगे इस वीडियो से। और यहाँ पर और एक बात इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पोस्ट है, ऐसा पोस्ट प्लीज़ शेयर मत कीजिए। जो एडमिन होता है इस पोस्ट का, उनका प्रमोशन मत कीजिए। और सबसे खास बात है, अपनों के लिए दुआ कीजिए भाई, दुआ के सिवा, दुआ से बढ़कर कुछ नहीं होता है, अपनों के लिए दुआ कीजिए। तो थैंक यू सो मच। एंड आपके लिए और एक बातें हैं, ये आपके बहुत ही हेल्प होंगे और कुछ ऐसे प्रॉब्लम, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ अब जिसके बारे में, ऐसे कुछ ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत लोग जो हैं वो फंस चुके हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रॉब्लम में पड़ जाए, आप भी फंस जाए। तो इसलिए मैंने और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए और एक वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपना मोबाइल का जो मैसेज बॉक्स है वो ओपन किए हैं और यहाँ पर एक मैसेज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है भाई SMS आया है HP, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए HP और नंबर दिया हुआ है, ताकि आपको समझा ना सके कि भाई ऐसे SMS आकर आपको समझाए कि भाई आपके SMS जो है वो एक बड़ी कंपनी ने भेजी है और उसके अंदर क्या है भाई, अंदर है अरे बाप रे, हमने इतना रकम जीते हैं और अगर ये प्राइज़ हम पाना चाहते हैं तो हमें कमाई क्या करना चाहिए, हमें भाई यहाँ पर से हमको सेक्स एंड नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ बहुत बढ़िया बैंक के एड्रेस भी सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बैंक के एड्रेस, उसके साथ साथ आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये प्राइस जो है, ये रकम जो है, ये रुपया जो है वो आप मंगवा सकते हैं, यहाँ पर वो रकम आपको यहाँ पर से सेंड किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनी, जितना बड़े बड़े कंपनी है, सब बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लिए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने VMW कंपनीज के नाम, और नीचे भाई मेल दिया हुआ है VMW क्लाइंट्स वगैरह वगैरह, भाई यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको ये जो SMS करते हैं, जहाँ पर से भी ये SMS, सबसे पहले सुन लीजिए, ये SMS टोटली फ्रॉड है, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो मेल्स है, यहाँ पर इस मेल पर भी आपको किसी तरह के भी
आपको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिए जाते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं अमेज़न, सैमसंग, कोको कोला, ऐसे कुछ कंपनीज के नाम बहुत ज़्यादा लिए जा रही हैं। और मैंने इस तौर पर एक बार कोको कोला कंपनी में भी कॉल किया था, क्योंकि ऐसे कुछ कोको कोला के नाम लेकर ऐसे SMS मेरे फ़ोन जो है फ़ोन पर आए थे। तो उन्होंने कोको कोला कंपनी ने बताया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं गेम प्ले की है जिससे आपका प्राइज़ मिल सके, और आपने भी कुछ ऐसा कुछ गेम में कोई शामिल नहीं हुआ, नहीं जीते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई इस टॉपिक्स पर ऐसे फ्रॉड हमारे कंपनीज़ के नाम लेकर किए जा रहे हैं, और आपको जो है अगर आपने भेज देती है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंक की डिटेल्स और सब कुछ हो जाएंगे आपके खुला, और आप बन जाएंगे बाबा जी का ठुल्ला। जी हाँ, सही है ये बात, अगर आप सब कुछ शेयर कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं रहेंगे, आपको कंगाल करके छोड़ेंगे वो लोग। तो यहाँ पर से कोको कोला कंपनी ने कहा है कि भाई ऐसे SMS को आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देना चाहिए, और ऐसे SMS में आपको किसी भी तरह के पैसे नहीं मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये SMS जो है ये टोटली फ्रॉड है। ऐसे SMS में बहुत सारे जो हमारे देश के ऐसे कुछ इंसान है जो फंस चुकी है। YouTube पे ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसे कुछ न्यूज़ आते हैं, कभी कभार न्यूज़पेपर भी अखबार पे भी आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, ऐसे कुछ SMS जो होते हैं हमारे फ़ोन्स पे आते हैं, तो हमको अगर हो सकते हैं तो उस कंपनी पर एक मेल कर देनी चाहिए कि भाई ऐसे कुछ SMS हमें आई है, और अगर आप चाहो तो इसको सबसे बढ़िया रहेगा अगर पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हो तो, कि भाई मैंने कुछ भी नहीं जीता है। ये सच है कि आपने कुछ भी नहीं जीता है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा SMS आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पास भी 3 आया है, कंपनीज़ के नाम लेकर आए, यहाँ पर कुछ HP नंबर दिया हुआ है, मैं खुद भी नहीं समझ सकता हूँ भाई किस नंबर से ये SMS आया है। और अगर मैं कंपनी पर कॉल करूं, यहाँ पर जो जियो के सिम पर ये SMS आया है या फिर एयरटेल पे भी आया है, तो मैं अगर कॉल करूं तो कंपनीज बोलेगी हमारे तरफ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कौन SMS की है। तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और सबसे ख़ास बात मैं आपको कह दूँ भाई, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कितना ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी चलती है सोशल मीडिया में, हम कितना ज़्यादा नेगेटिविटी को शेयर करते हैं। और हमने सोचा है कि भाई अच्छे एक वीडियो आज बना जाए आपके लिए, ताकि सबको पता चल जाए असली राज क्या है और यहाँ पर क्या होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करना मत भूलिए कैसे लगी आपको वीडियो। और अगर आप चाहते हैं इससे भी बढ़िया वीडियो बना तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात क्लियर कर दूँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली के पास, और अपने उन दोस्तों के पास जो दोस्तों नहीं जानते हैं शायद, और सभी को बताइए कि भाई ऐसे SMS हमको शेयर नहीं करनी चाहिए और ऐसे फ्रॉड में हमें नहीं पड़नी चाहिए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं इससे भी बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल जो है स्टार्क टेक्नोलॉजी YouTube पे, वहाँ पर जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड टाइम।